अगर आप भी चाहते हैं व्हाट्सएप पे किसी का नंबर सेव करना तो कैसे सेव कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में जानेंगे। व्हाट्सएप पे कोई एक नया नंबर सेव करना हो जाए तो आप कंफ्यूजन हो जाते हैं, कैसे मैं सेव करूं, व्हाट्सएप नंबर कैसे सेव करूं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ दोस्तों यही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, व्हाट्सएप पे यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे बैक आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक नीचे आएंगे देखेंगे एक हमारे पास चैट का ये ऑप्शन बना हुआ, जहाँ पे मैं लाइन को खींच रहा हूँ आप ध्यान दीजिए यहीं पर एक चैट का एक ऑप्शन बना हुआ। सिंपल से जैसे मैं चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक न्यू ग्रुप, यहीं से आप एक ग्रुप को बना सकते हैं, एक नया ग्रुप बना सकते हैं और यहीं से आप न्यू कॉन्टेंट, अभी रुकिए वीडियो को छोड़ के मत जाइए, अभी रुकिए अभी नई चीज़ आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। न्यू कंटेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, यहाँ पे देख सकते हैं एक नया कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको बिना नंबर सेव किए हुए उसको मैसेज करना तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं एक बारकोड ऑप्शन, बारकोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं बारकोड वाले ऑप्शन पे यहाँ देख सकते हैं मैं क्लिक कर रहा हूँ, देन जहाँ देख सकते हैं उसका बारकोड आपको स्कैन कर लेना। उसका बारकोड कैसे मिलेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं माई कोड, ये आपका बारकोड है उसी हिसाब से उसका बारकोड होगा, तो आपको उसका मोबाइल लेना होगा और बारकोड स्कैन करना होगा। चलिए हमारे पास एक दूसरा मोबाइल है, इसको ओपन करते हैं, उसका बारकोड आपको स्कैन करके दिखाते हैं कैसे यहाँ पर काम करना होता है। चलिए हम दूसरे मोबाइल में व्हाट्सअप को मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया, हम बैक करते हैं, देन हम यहाँ चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अलाउ करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे मोबाइल का मैंने बारकोड यहाँ पे ओपन करके रख लिया, कंटिन्यू अलाउ करते हैं, ओके करते हैं, ओके कर दिया। माई कोड मैंने दूसरे कर लिया, अब यहाँ इस वाले मोबाइल से मैं उसका बारकोड स्कैन करूँगा, देख सकते हैं यहाँ बारकोड स्कैन हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से बिना नंबर सेव किए डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर नंबर सेव करना चाहते हैं तो न्यू कॉन्टेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ पर क्या करना, उनका फर्स्ट नेम डालना। चलिए यहाँ पर इसे मैं डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ, फर्स्ट नेम यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर डालेंगे। चलिए यहाँ पे एक नंबर हम डाल दे रहे हैं, ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया, देन हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। अब आप हमने देखिए डेमो सेव, यहाँ पे मैंने नंबर डाल करके सेव कर लिया दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कंटेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, अब हमें यहाँ पर सर्च करना डेमो, देख सकते हैं यहाँ पर डेमो आ चुका भैया, आप इनके साथ चैटिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चैटिंग स्टार्ट कर दी। तो कुछ इस प्रकार से आप व्हाट्सएप पे नंबर को सेव कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, बाय बाय, लव यू ऑल यूट्यूब फैमिली।